नमस्कार जी, आज हमारे साथ जतिंदर अटवाल जी हैं, रॉयल विजन ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और हम स्वागत करते हैं सर आपका। आप आज धोलेरा हमारे साथ विजिट पे आए हुए हैं। थोड़ा सा मैं आप ही से ओवरव्यू लेना चाहूँगा कि आज आपको यहाँ पर आकर के क्या फील हो रहा है, और क्या आप इस सिटी को लेकर के क्या विजन आप देख रहे हैं। सबसे पहले अनिश जी, आपका दिल से स्वागत और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये चीज़ों के लिए आमंत्रित किया। और एक ड्रास्टिकली चेंज मैं पिछले 4 सालों में धोलेरा में देख रहा हूँ। मैं 4 सालों से इसको जो है एज अ बिजनेस जो है यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, और ज़मीनों का कारोबार यहाँ पे है। और धोलेरा के अंदर आज जो चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में अभी जो आपने कुछ जानकारियाँ मेरे को दी हैं, और कुछ मैं भी अपडेट कर देता हूँ। 72,000 पौधों का यहाँ पे प्लांटेशन किया जा रहा है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो भी इंडस्ट्रियल एरिया में। आप मान के चलिए पूरे इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग इंडस्ट्रियल एरिया किस लिए जानते हैं, पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम में ग्रीनरी लेवल दिया जा रहा है, ये अपने आप के अंदर एक चेंजेस है। और मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर एक बार बोलूँगा कि भी आप ये जो नई चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही हैं, जो नई चीज़ें यहाँ पे जिस तरीके का निर्माण हो रहा है, आप एक बार ज़रूर आइए और धोलेरा को एक बार पर्सनली देखिए। जिस हिसाब से हम फील कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत बड़ा ड्रेस्टिकली चेंजेस इसमें आने वाले हैं। और अनिशी, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे इन चीज़ों से मिल के और बातचीत करके। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। राइट।